गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 के शेष बचे हुए सवाल। पिछले वीडियो में हम 7 सवाल तक कर चुके हैं, ठीक है। तो 7वें सवाल से शुरू करके हम बचे हुए शेष सवाल सारे करेंगे इसमें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 7वां सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो यहां पर हमको देखो दिया क्या हुआ है, यहां पर दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर 7/8। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए तो इसमें आधार, हम चलो इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो आधार क्या है यहां पर 7 है, लंब 8 है, तो कर्ण क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा 8² + 7² पाइथागोरस प्रमेय से, 8 64, 7 49, 49 और 64 कितने होंगे 4 और 9 13, असल की 1 6 4 10 और 1 11, √113 हमने यहां पर लिख दिया इसको। अब हमें निकालनी है कौन कौन सी चीजें इसमें साइन काम में आएगा, कोस काम में आएगा और कोट काम में आएगा, तो इन चीजों को मान निकाल लेते हैं यहां पर। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहां पर, लंब है यहां पर 8, कर्ण है √113। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहां पर 7, और 113 का वर्गमूल क्या है, कर्ण है। इस तरह से देखो कोट थीटा का मान तो दे ही रखा है, तो इसको तो हमें बार बार निकालना नहीं है। अब देखो हमें जो मेन सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, वैल्यू रखते हैं इनकी। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8/√113 और 1 - 8/√113 बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या है 7/√113 और 1 - 7/√113। देखो एक बार ये संख्या प्लस में, एक बार माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से इसको हल कर देंगे तो ए का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी का स्क्वायर, बी का इधर क्या है 8/√113, तो 8 का वर्गमूल 8 64 और 113 का वर्ग निकालेंगे तो हम 113 ही आएगा बटे, इस तरह से इसका करेंगे तो इसका वर्ग प्लस इसका माइनस का वर्ग, एक का वर्ग एक होता है माइनस 7 का वर्ग 49 और यहाँ पर होगा 113। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 113 आएगा, 113 - 64, इसी तरीके से यहाँ पर लघुत्तम लेंगे हम तो 113 आएगा, तो क्या होगा 113 - 49। तो देखो 113 से 113 काट दिए दूसरे नंबर से चौथे नंबर का, यहाँ पर क्या बचेगा 113 में 64 जाएंगे तो 49 और 113 में 49 गए तो 64 बचेंगे, तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया ना। दूसरा सवाल यहाँ पर जो जगह बच रही है उसमें करते हैं। देखो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास में कोट का मान है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 7 × 49 = 8 64, दोनों आंसर हमारे पास में सेम ही आया, ठीक है। ये हमारा 7वां सवाल हो गया। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये 8वें सवाल में हमको दे रखा है यहाँ पर 3 cot A = 4, 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि ये जो दे रखा है ये सत्य है ना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, cot A बराबर क्या होगा 4/3, cot का मान क्या है हमारे पास में आधार बटे लंब, A बटे L बराबर 4/3। हमें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, हमारे पास में A और L, A का मान है हमारे पास में 4 है, L का मान हमारे पास में 3 है ना, और कर्ण का मान को निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर √L² + A² पाइथागोरस प्रमेय से, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 किया 9 4 16, 9 + 16 है ना, कितना होगा √25, √25 निकलेगा 5 के बराबर, तो यहाँ पर निकल गया 5। हमें क्या निकालना है, साइन कोस और टेन, तीनों की वैल्यू निकालनी है पहले, तो साइन
ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहां पर तीन, कर्ण पांच, कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा यहां पर चार बटे पांच, इसके अलावा टेन, टेन ए बराबर क्या होगा टेन का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहां पर लंब हमारे पास में तीन, आधार हमारे पास में चार, ठीक है। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है कोट का, तो ये तीनों वैल्यू हमारे इसमें काम में आने वाली है, तो इसलिए हमने इनको पहले निकाल लिया। अब हम इसका LHS भाग लेकर चलते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाला भाग लेकर चलते हैं, तो क्या होगा ये वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, वन माइनस टेन की वैल्यू तीन बटे चार वर्ग दे रखा है तो वर्ग करेंगे, वन प्लस तीन बटे चार का वर्ग, हल करने पर एक माइनस नौ बटे सोलह बटे एक प्लस नौ बटे सोलह, वर्गमूल लेंगे तो सोलह आएगा, तो सोलह माइनस नौ इसी तरीके से सोलह, सोलह प्लस नौ दोनों हल करने पर क्या आएगा, सोलह में से नौ गए तो सात, और यहां पर बचेगा सोलह और नौ पच्चीस, है ना, और देखो ये सोलह से सोलह काट दिए, तो ये तुम्हारा LHS हो गया। RHS हम यहां पर ले लेते हैं, RHS, RHS हम देखिए क्या करेंगे, हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos का मान क्या हमारे पास में तीन बटे चार बटे पांच, चार बटे पांच का वर्ग माइनस साइन का मान क्या है तीन बटे पांच का वर्ग, तीन बटे पांच का वर्ग, हल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 25, देखो यहाँ पर 25 होगा, एक एक पहले हम लिख लेते हैं, 25 नीचे ऊपर 16 माइनस 9 बटे 25, लघुत्तम लेंगे 25 आएगा, 16 माइनस 9 कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, और नीचे 25, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS, है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये जो दे रखा है ये सत्य है, ठीक है, ये हमारा आठवां सवाल हो गया। नवे सवाल की तरफ चलते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B समकोण होना चाहिए, ठीक है, ये B बना दिया हमने, A और ये C, तो यहां पर ये कोण हमको दे रखा है tan A बराबर 1 बटे √3, तो tan A बराबर 1 बटे √3, तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब एक बटे अनरूट तीन, तो यहां पर ये कितना आएगा, हम अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण निकलेगा अनरूट तीन का वर्ग प्लस एक का वर्ग, तो ये कितना होगा तीन प्लस एक मतलब अनरूट चार, अनरूट चार का निकलता है दो, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कर्ण दो। हमें किन किन चीज की वैल्यू चाहिए यहां पर, साइन ए कोस ए, है ना, साइन और कोस ए की वैल्यू चाहिए, इस तरह साइन सी और कोस सी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर साइन ए, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहां पर एक, कर्ण क्या है दो, इसी तरह से कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या रूट तीन और कर्ण क्या है दो, ये साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से साइन सी, साइन सी मतलब क्या होगा, अगर हम थीटा इसको मान लें तो सी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है लंब अनरूट तीन है, कर्ण दो है, इस तरह से कोस सी, यहां पर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहां पर एक और कर्ण क्या है दो, तो ये चार वैल्यू इन दोनों में काम में आने वाली है, इसलिए हम इनको एक एक करके निकाल चुके हैं। अब पहला लेते हैं, देखो साइन ए cos c प्लस cos a sin c, इनका मान रखते हैं, sin a की वैल्यू क्या हमारे पास में एक बटे दो इंटू cos c, cos c की वैल्यू एक बटे दो प्लस cos a, cos a की वैल्यू रूट तीन बटे दो इंटू sin c, sin c की वैल्यू रूट तीन बटे दो, हल करेंगे तो ऊपर गुणा करने पर एक नीचे चार प्लस ऊपर, देखो यहां पर चार लोग उत्तम आएगा तो एक प्लस तीन मतलब चार बटे चार वैल्यू निकल कर क्या आई एक आई, है ना, दूसरा भाग इधर कर लेते हैं,
दूसरा भाग दे रखा है हमको कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, मान रखेंगे इसका। तो कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, कोस ए की वैल्यू है हमारे पास में अनुरूप तीन बटे दो, कोस सी की वैल्यू क्या हमारे पास में एक बटे दो, माइनस साइन ए की वैल्यू एक बटे दो गुणा साइन सी की वैल्यू अनुरूप तीन बटे दो। देखो दोनों संख्याएं सेम है, ये और ये सेम है, तो अनुरूप तीन बटे चार माइनस अनुरूप तीन बटे चार, दोनों संख्या सेम आई, हल करने पर क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे। दसवां सवाल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन बी कॉस बी और टेन बी के मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत सरल है, ऊपर की चीजें कुछ थोड़ी सी कठिन दे रखी हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, क्यू कोण समकोण है तो इसका नाम क्यू पी क्यू आर नाम दे दिया आप, ठीक है। यहां पर आप पी क्यू पी क्यू पांच सेंटीमीटर, एक मिनट आप ऐसे कीजिए, पी यहां पर रख लिया आप इसको, पी ये है और आर इसको दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्यू आर और पी आर मतलब ये बुधा और ये बुधा दोनों का 25 दे रखा है और पी क्यू ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर है, तब देखो क्यू आर ये दे रखा है तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तब पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको देखिए 25 माइनस एक्स, ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया था, ये एक्स, ये 25 माइनस एक्स और ये 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब यहां पर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो पी आर का मान हमारे पास में कितना है, यहां पर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स स्क्वायर। हल करेंगे इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस 25 मतलब 50 एक्स बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ वैल्यूज कट रही है यहां पर, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है ना, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, इस 625 को इधर ले जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 50 एक्स इधर बचेंगे और यहां पर 25 माइनस 625 इधर हो जाएंगे। तो यहां पर अगले पर माइनस के 50 एक्स बराबर माइनस के 600, एक्स बराबर माइनस 600 बटे माइनस के 50, तो माइनस माइनस कट गया एक्स बराबर और जीरो जीरो काट दिया तो कितनी बार बार जाएगा 12 × 60 तो 12 बार जाएगा ना। तो यहां पर एक्स का मान आएगा 12 सेंटीमीटर, ये बुधा 12 सेंटीमीटर किया गया तो ये कितनी बची, ये अपने आप बचाई 25 से 12 हटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर है ना, ये 12 सेंटीमीटर आ गई हमारी हल करने पर, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हम तीन चीजों की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन पी, साइन पी बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। देखो पी यहां पर है तो लंब क्या होगा, सामने वाली बुधा लंब होगी तो एल बटे के लिख देता हूं मैं यहां पर 12/13। इसी तरह से हमें कोस पी निकालनी है, यहां पर कोस पी आधार बटे कर्ण, यहां पर आधार 5 होगा कर्ण 13 होगा। इसी तरह से टेन पी, टेन पी बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा, तो लंब क्या है यहां पर 12 आधार क्या है 5। तो ये हमारे तीन आंसर हो गए इसमें, ये हमारा 10वां सवाल हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से करें। अब 11वां प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो ध्यान दीजिए यहां पर टेन का मान कहां से कहां तक चलता है, टेन का मान चलता है जीरो से अनंत तक है ना, तो बीच में एक आता है उसके बाद में एक से बड़ी संख्या भी होती है, तो सदैव के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया असत्य, क्योंकि टेन का मान तो टेन क्या होता है लंब बटे आधा होता है ना।
अगर मान लीजिए एल का मान 5 हो गया और ए का मान 4 हो गया, तो इस कंडीशन में एक से बड़ा हो गया यहां पर, है ना। तो यहां पर ये कथन हमेशा के लिए सत्य नहीं होता, किसी कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि 0 से और अनंत के बीच में इसका मान होता है, इसलिए असत्य कथन है ये। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेट ए बराबर 12/5 किसी भी मान के लिए, मतलब कोई एक मान दे रहा है उसके लिए हो सकता है, तो ये कथन सत्य है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि सेक का मान एक से, सेक ए का मान होता है एक से लेकर अनंत के बीच में चलता है, तो मतलब एक से छोटी संख्या तो होनी नहीं है, तो इसमें कहीं कहीं 12/5 भी आता ही होगा, है ना। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तीसरा देखिए, कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो देखिए गलत है यहां पर। जो पहले तुमने इसको ले लो असत्य, और क्यों है इसका? क्योंकि कोस ए बराबर होता है कोसाइन, कोसाइन ए, ठीक है, कोस ए का मतलब कोसाइन ए होता है, और कोसेंट और COSEC ANT इसको हम लिखते हैं कोसेक ए, मतलब अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान होता है कोसाइन ए, ये नहीं होता, कोस ए का मतलब होता है कोसाइन ए, इसलिए ये कथन असत्य है। चौथा देखिए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ये कभी भी गुणनफल नहीं होता। यहां पर कोट का मतलब क्या होता है? कोट ए का मतलब होता है कोण टेंजेंट ए, मतलब कोट ए का मतलब होता है COTANGENT कोटेंजेंट ए, इसका मतलब ये होता है। और यहां पर अगर हम बात करें ए की, तो ए का कोई मतलब नहीं है और कोटेंजेंट का भी कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो ही ये पूरी संख्या बन पाती है, मतलब पूरा मान बन पाता है, इसलिए क्या है? कथन असत्य है। बात करें पांचवे की, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3, 4/3 को हल करते हैं तो कितना आता है? 1.33। और ये मान कभी भी साइन में तो नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से 1 के बीच में, और ये तो 1 से बड़ी संख्या आ रही है, इसलिए कथन क्या है? ये असत्य है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, धन्यवाद।